पांच वाला रेस लगा रहा था, दोनों तरफ देख लो पहाड़ी पहाड़ है, वैसे पूरा पहाड़ी का रास्ता है। लोग अलग है भाई, सब लोग बड़ी जबरदस्त है, किसी काम की नहीं है ऐसी लुक जैसी इसकी है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मेलगो मॉर्निंग हो गया। और सभी कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, रेडी हो चुका हूँ। और आज वेडनेसडे है, कल मंदिर से बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, टाइम लग गया था और रश वगैरह था, इस वजह से भी लेट हो गया। मेन तो वही रीज़न था लेट होने का, रश ज़्यादा था तो लंबी लाइन में लगना पड़ा था कल। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता यार, कभी जल्दी कभी लेट। और आज फिलहाल अभी ऑफिस चलूँगा, ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकलते हैं और दिन का देखता हूँ क्या शेड्यूल है, कहाँ जाना है, कब जाना है, किस टाइम जाना है, कब कब जाना है, देखते हैं जो भी होगा। धूप निकली भी है फिलहाल तो बढ़िया वाली, मौसम आज लग रहा है नॉर्मल हो जाएगा और इवनिंग में देखते हैं ठंड रहेगी क्या रहेगा। और चलता हूँ फिलहाल, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, निकलते हैं, बातचीत करते हैं। भाई भाव अभी निकला था जरा किसी काम से और थोड़ा सा लंबा रूट है ये वाला, लंबे रूट पर निकलना पड़ रहा है, कुछ काम अर्जेंट आ गया था मुझे। अब देखता हूँ ट्रैफिक अब क्या फील रहता है, आज सोचा हूँ अलग रूट से निकला जाए क्योंकि जिस रूट पर जा रहा हूँ वहाँ पे एक जगह तो पता ही है मुझे ट्रैफिक होना ही होना है, तो उसकी वजह से मैं सोचा था कोई रूट चेंज करके जल्दी से पहुँच जाऊँ। अभी लगता है रोड यहाँ का बना नहीं है, जिस हिसाब से गाड़ियाँ जा रही है ना स्लो स्लो, कल छिला हुआ तो था रोड, ये भाई बना दिया, स्पीड से काम चल रहा है, बना दिया, ये सारा छिला हुआ था कल, तो ट्रैफिक स्लो हो गया था, मुझे लगा क्या पता ना बनाओ, हो सकता है ड्यू टू एनी रीज़न कल जाएगा वो बनना। बढ़िया लगता है नया रोड पर चलो, खड्डे वड्डे सब बराबर। रेड लाइट हो रही है, कहाँ जा रहे हो अंकल, कोई टाइम लगेगा। चलो भाई अब ग्रीन हो गई है, चलते हैं। अरे यार सुन, पूरा ही ग्रीन होने के बाद भाई रूट तो अभी तक तो ये वाला सेम है, आपका रूट चेंज हो जाएगा। वाला रेस लगा रहा था तो पीछे जाइए, फिर वो बेचारा आ गया है, फिर मैंने हल्की रेट बढ़ा दी, वो रह गया दोबारा पीछे। चलो जी निकल गया हूँ, ग्रीन हो गई है, साथ में आ गया था, मतलब कैमरे में तो आया नहीं होगा, ग्रीन तो साथ में आ गया था, मैंने हल्की रेट नहीं पड़ दी, गलती गलती पकाई पकाई के रेड लाइट ही हो गई, मैं वैसे उससे रेस लगा नहीं था, मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए मैं उससे आगे निकला था, उसको लगा मैं रेस लगा रहा हूँ तो बेचारा कह रहा मैं आ गया, मैं लगाता हूँ वो भगा ही उसने, लेकिन सामने बन पाया बेचारेगा। चलो यार कहाँ हो, ट्रैफिक हो रखा है भाई, एंट्री खुलती है तो थोड़ा ट्रैफिक हो ही जाता रोड वोड पे। चलो थोड़ा आगे चलता हूँ, कॉल भी आ गई है, थोड़ा रस्ता कोर्स कर लेते हैं। तो भाई आ गया हूँ थोड़ा आगे रास्ता क्रॉस करके, अब चढ़ाई चालू हो गई है भाई, यहाँ से हिल स्टेशन का रास्ता यहाँ से चालू हो जाता है, अब सिंगल रोड चलेगा, ट्रक भी ड्रा होंगे, अब चढ़ाइयाँ चढ़नी है बड़े मुश्किल साइड लेते हुए, पूरा ट्रैफिक देखते हैं दोनों तरफ, देख लो पहाड़ी पहाड़ है, बस पूरा पहाड़ी का रास्ता है और मौसम भी देखो सही हो रहा है, हवा चल रही है ठंडी वाली बढ़िया। आगे आ गए कूड़े वाले भाई साहब, उनसे आगे निकलो तो भाई साहब यहीं पे एडजस्ट कर देंगे मेरी, ये तो सांसें रोक रखे, कितनी सांस रोकूंगा भाई, स्मेल इतनी आती है,
साइड लेना बड़ा मुश्किल है वन वे में ना, सिंगल रास्ता है, दोनों तरफ से ट्रैफिक है पूरा पूरा, साइड लेना बड़ा मुश्किल है। वैसे ट्रैफिक बड़ा है, छोटी मोटी गाड़ी से कुछ तरह साइड वाइड लेके निकल जाते हैं, जगह मिल जाती है, बड़ी गाड़ियों में नहीं मिलती भाई ज़्यादा जगह। हट जाओ भाई, जाने दो यार, ऐसा मत करो, बिल्कुल ही जगह नहीं दोगे क्या यार? ट्रक पूरे रास्ते वहीं जाएगा, इससे साइड लेनी बहुत ज़रूरी है। ट्रक से निकल गया तो आगे बस, अब बस से साइड लेना तो बड़ा, अब तो नहीं होगा फिर साइड, अब तो भाई पूरा घुमाव वाला रास्ता आ गया, पूरा टर्न आएगा बढ़िया साफ वाला, ये देखो साफ टर्न आ गया, देख लो यहाँ साइड लेना बड़ा मुश्किल है भाई, लाइन में चलना पड़ता है, साइड नहीं ले सकते आप। रोड बहुत प्यारा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, ये अलग ही लेवल की ड्राइव होती है इधर, क्या कार में हो क्या बाइक में हो, अब चुपचाप से पीछे लाइन में लगे रहो क्योंकि ट्रैफिक पूरा पूरा आ रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। चलो यार ये देखो बंदर, बंदर देख लो, बंदर एंड फैमिली, क्या हो गया इसको, सही है भाई, एक बंदे की वजह से रुक जाते हैं, ये रूट में ऐसे ही होता है, ये कैब वाले भाई साहब ने कैब लगा दी, बाकी खत्म कर दी, चलो मैंने कैब लगा दी है, टाइम से खत्म नहीं, तो अब जाम को तुम दे लो तुम जाना भाई साहब। ये ट्रैफिक वाला रूट अभी एक क्रॉस हुआ है, अभी आगे पता नहीं मिल सकता ट्रैफिक, रुक जाओ भाई मुझे जाने का, एक तो यार बाइक समय से देने वाली हो रही है, बड़ी दिक्कत है, देना बहुत ज़रूरी है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ओह भाई साहब आयोनिक 5 हुंडई की इलेक्ट्रिक कार, लुक अलग है भाई साहब, लुक बड़ी ज़बरदस्त है, किसी कार की नहीं है ऐसी लुक जैसी इसकी है, पक्का देखने से पता लगता है कि ये तो भाई इलेक्ट्रिक ही है प्रॉपर। गाड़ी की शेप देख लो, शेप सबसे डिफरेंट है, किसी गाड़ी की शेप नहीं है ये वाली, जो इन्होंने शेप देखिए, ब्रेक लाइट्स वगैरह जो दे रखी है बहुत प्यारी है। एक बार जला के दिखा दो भाई ब्रेक लाइट, तो अभी नहीं जला रहा है, अभी कोई आगे नहीं आ रहा, क्यों मैं बैटरी से पहुँच गया, शांत गाड़ी अभी आयोनिक 5 लाइट भी जला दो भैया, सनरूफ वगैरह सब है इसमें, कंप्लीट पैकेज, लाइट नहीं जला, चाहे लाइट नहीं जला, अब जलाएगा अब जला, ये जल गई लाइट, गाड़ी बड़ी प्यारी है, बहुत बढ़िया फेट है। और अभी तो यार लॉन्ग रूट है, बहुत लंबा रूट है, तो मैं एक काम करता हूँ, चलता हूँ थोड़ा रूट कवर करता हूँ, पहुँचता हूँ भाई, जिस काम से आया था वहाँ से फ्री हो जाऊँ और वापस ऑफिस के लिए निकल जाऊँ, पहले घर जाऊँगा उसके बाद ऑफिस जाऊँगा, ये लग रहा है तो आधा दिन तो कम्प्लीट हो ही गया, आधा दिन तो निकल गया, तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ बाइक को सभी से छोड़ दूँगा, दिक्कत आने लगती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में बहुत दिक्कत होती है, कॉल आ गई है मैंने थोड़े टाइम करें तो बाइक को चला मुझे कॉल ही कॉल आती है, थोड़ा टाइम करता हूँ मैं कंटिन्यू करता हूँ, अटेंड कर ली है वापसी, कंटिन्यू राइडिंग पे आ गया हूँ, और वो पूरी आई है, मैं बात कर रहा था अपने बाइक की, उसकी ना क्लच बहुत दिक्कत दे रही है, तो बाइक रखता हूँ फिर बाइक ठीक ही रहता है, दिक्कत आने चलो भाई, अभी तक क्लच में ट्रैफिक में बिल्कुल भी चल नहीं पा रही बाइक को, बहुत दिक्कत हुई, बार बार बंद हो गई बाइक, कोई क्लच दबा रहा हूँ क्लच होगी बंदी नहीं पूरी, तो मैं सोचा आप सभी से दे देता हूँ, कोशिश करके आप दे लंबा, तो मैं
देख लो भाई, निकल जाऊँ यहाँ तक, निकल जाता हूँ। निकालो भाई साहब,
अपने हमारे यहाँ कम हवा ज़्यादा आ रही है, हवा आ रही है बस, मैं बोल ही नहीं पा रहा, बस क्या करूँ, हवा इतनी याद कर रही है, तो उसका बोलूँ पता हवा की आवाज़ आ जाती है, क्या आवाज़ आएगी मेरी। चलो बैठो भाई, पहुँचता हूँ जरा घर, जो काम वाम है वो काम करते हैं, उसके बाद देखता हूँ कैसे दिन बनता है, शरीर से देने का, फिर आपसे बातें करता हूँ। भाइयों आज कहीं जाना हुआ नहीं, इवनिंग में ऑफिस में भी थोड़ा लेट हो गया था और दिन में काम वाम से, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, तो इस वजह से ऑफिस के काम थोड़े से डिले हो गए थे, तो वो सब करने के वजह से वो कोई आ भी गया था ऑफिस में, इस वजह से फिर इवनिंग में कहीं निकलना हो नहीं पाया, तो अभी आस पास में जा रहा था, 2 मिनट का काम था, तो मैंने सोचा चलो वहाँ चलता हूँ, वो काम भी निपटा लूँगा और थोड़ी सी बातचीत भी हो जाएगी और सामान वान लेता हूँ थोड़ा, और वापसी में दोबारा कंटिन्यू करते हैं बात। तो भाई जिस काम से गया था वहाँ से अब वापस आ रहा हूँ, सामान ले लिया और अब बस घर पहुँचना है, डिनर वगैरह करना है, रेस्ट करना है, और ठंड हो गई भाई अभी दिन में, ठंड होना चालू हो गई है अब दोबारा से, मतलब मौसम ठंडा वाला आ गया है, तो अभी फ़िलहाल थोड़ी ठंडक लग रही है कि हाँ ठंड है, पहले इतनी लग रही थी बीच में तो मौसम बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, ऐसा लगता गर्मी आ गई, बस दोबारा ठंडा सा मौसम हो गया है, तो चलो पहुँचता घर पर, उससे बात करता हूँ घर पर। तो भाई आ गया हूँ घर पे, वाइफ भी पाक कर दी है और अब रेस्ट करना है डिनर वगैरह करके, और कल देखते हैं कल का क्या सीन रहेगा, आज का व्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा, तो क्योंकि आउटिंग लंबा रूट था और व्लॉग भी बनाने मन था उस टाइम, मौसम भी अच्छा था और जगह भी व्लॉग बनाने मन था, इसलिए लंबा हो गया, तो कोई बात नहीं, कभी कभी लंबा भी हो जाता है, तो चलते हैं करते हैं इस व्लॉग को एंड, कल मिलेंगे नए व्लॉग के नई बातों से, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, कल मिलते हैं, बाय बाय।